प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए वर्ष 2024 में विवाह की स्थिति क्या रहने वाली है, वैवाहिक जीवन की, संतान की और पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। यह भी बताने वाला हूं कि वृषभ राशि वालों का वर्ष 2024 में कब विवाह होगा। अगर विवाहित है तो संतान के लिए अगर प्रयास है तो संतान कब होंगी, इसकी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में प्रदान करूंगा। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी वर्ष 2024 में इन विषयों से जुड़ी प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम विवाह की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2024 के अंदर गुरु का गोचर 1 मई 2024 से वृषभ राशि पर होने वाला है, यानी इससे एक बात तो तय है कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के प्रभाव से वैवाहिक पारिवारिक सभी प्रकार की स्थिति शुभ बनने वाली है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप वृषभ राशि या लग्न के हैं और विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा था, अब ये आगे आने वाले वर्ष में 1 मई के बाद पूरे वर्ष पर्यंत गुरु का प्रभाव आपके विवाह के सुंदर योग बनाएगा और इसमें आपको विवाह के अच्छे योग प्राप्त होंगे, अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा और आपका विवाह अवश्य से हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि आपको शुभ परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगा। फिर इसमें ये बात भी है कि शुरुआती जो समय है उसके अंदर इतना प्रबल प्रभाव नहीं है, इसलिए ये देखने को मिल सकता है कि वहां पर कुछ रिश्ते मिले, थोड़ी बातचीत भी हो, लेकिन इतना प्रभाव न मिल पाए। हालांकि मार्च के आसपास में जाकर कुछ अच्छा रिश्ता पक्का होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन विवाह तो 1 मई 2024 के बाद जो योग बनेंगे उसी में हो पाएगा, उसी में आपको अच्छा परिणाम भी मिल पाएगा। वैसे आपको प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन लगभग आप देखेंगे मार्च अप्रैल के बाद से ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा और मई के बाद गुरु बदलेंगे तो वहां से तो और सुंदर स्थिति बनेगी, आपके विवाह आदि के जो काम है आसानी से बन जाएंगे। अगर आप संतान के लिए प्रयासरत थे, विवाह आपका हो चुका था, संतान आपको नहीं हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, समय इस गुरु के गोचर से आपकी संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आपके लिए 1 मई के बाद ही गुरु का प्रभाव राशि पर रहेगा, पंचम भाव पर गुरु की पूरी दृष्टि रहेगी, इसके प्रभाव से संतान के सुंदर योग बनेंगे, आपको संतान आदि का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। फिर आप ये भी देख पाएंगे कि अगर आपको संतान से जुड़ी कोई भी समस्या थी, यानी आपकी संतान हो गई थी लेकिन किसी कारण से उनको अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा था, उनको तरक्की नहीं मिल रही थी, वो भी प्राप्त होगी और संतान से भी जो भी समस्या थी आपको वो भी आगे आने वाले वर्ष में 1 मई के बाद समाप्त तो हो जाएंगी, आपको अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। फिर आप ये भी देख पाएंगे कि आगे आने वाले वर्ष के अंदर जब विशेषकर मंगल का गोचर वैसे तो शुरुआत के समय पर ही आपके लग्न में होने वाला है, उस समय अवधि पर ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा आप में क्रोध की स्थिति बढ़ सकती है जिससे अन्य से तालमेल कमजोर हो सकते हैं। तो विशेषकर मार्च से लेकर मई तक का जो समय है उस समय काम आपके बहुत से बनेंगे, लेकिन एक तो उस समय क्रोध का ध्यान रखना है, क्रोध ज्यादा ना करें। फिर मई में विशेषकर 25 मई से लेकर के लगभग पूरा जून आप समझ सकते हैं, उस समय तक भी आपको जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। विशेषकर घर परिवार में भी किसी बात पर विवाद आदि हो रहा हो या कोई किसी बात को लेकर व्यर्थ में कलेश की स्थिति बन रही हो तो उस समय पर आपको थोड़ा धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना अगर इस बीच में कुछ भी ऐसा होता है तो। और इस समय आपको अच्छा परिणाम लेने के लिए एक ही काम करना है कि सफेद वस्तु जो दूध से बनी हो या फिर सफेद वस्तु में चावल ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, इसे शुक्रवार के शुक्रवार किसी मंदिर में आपको दान करना है। ऐसा कुछ 4-5 शुक्रवार कर देंगे आप तो आपको अच्छा परिणाम मिल जाएगा। ये विशेषकर मार्च से लेकर मई के बीच वाले समय पर आप कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे भी फिर कोई ऐसा खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। और बाकी तो प्रभाव अच्छा है, आपके लिए योग की प्रबलता इतनी अच्छी है कि आपके लिए जो परिणाम मिलने वाला है वो अच्छा मिल जाएगा, आपको ज्यादा उपाय करना भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, बस ये जरूरी है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह योग है उसका प्रभाव अच्छा हो, आपके कुंडली के अंदर जो ग्रह अवस्था हो उसमें भी शुभ स्थिति बनी हुई हो और उसमें कोई रुकावट आदि का प्रभाव नहीं बन रहा हो।
तो दशा आदि सब ठीक होंगे तो आपको परिणाम शीघ्र मिल जाएगा और आप देखेंगे कि बिना किसी रुकावट के आपका काम बन जाएगा। फिर आपको पारिवारिक जीवन में कोई समस्या थी तो वो भी एक गुरु के प्रभाव से दूर होंगी, वो भी ठीक होंगी, परिणाम अच्छा मिलेगा। गुरु जरूर अष्टम का स्वामी होता है लेकिन ये आपके लाभ का भी स्वामी होता है, आपकी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। तो आपकी इच्छा पूरी है गुरु करने का काम करेगा, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आपको सभी प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं से जो भी चिंता आदि थी वो दूर हो जाएगी, आपको परिणाम अच्छा मिलने लग जाएगा और प्रसन्नता पूर्वक आप सभी काम को कर पाएंगे। तो यानी वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए देखें तो वर्ष 2024 में विशेषकर मई के बाद पारिवारिक वैवाहिक सभी प्रकार की जो स्थिति है वो अच्छी है। संतान सुख के लिए प्रभाव अच्छा है, तरक्की के लिए प्रभाव अच्छा है। बाकी तो मैंने आपको वार्षिक राशिफल में जानकारी दी है कि विभिन्न ग्रहों का आपके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। आप नहीं देख पाए, यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिलेंगी, आप देख पाएंगे कैसा प्रभाव आपको आगे मिलने वाला है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।